दोस्तों, क्या आप भी थक चुके हैं वीडियोस देख देख के? होम थिएटर और साउंड बार के कंपैरिजन देख देख के आप थक चुके हैं और अभी तक भी आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाई मैं एक होम थिएटर लूं अपने लिए या फिर एक साउंड बार लूं। दोस्तों, मैंने काफी ज्यादा कंपैरिजन वीडियो बनाए हैं जिनके अंदर मैंने होम थिएटर और साउंड बार की काफी ज्यादा क्वालिटीज को डिफाइन किया है। मैंने काफी ज्यादा रिव्यू वीडियो बनाया, अनबॉक्सिंग बनाई है, टीयर डाउन बनाए जिनके अंदर मैंने होम थिएटर को खोल के भी दिखाया है कि इनके अंदर ये सामान लगाया हुआ है, साउंड बार को खोल के दिखाया कि इनके अंदर ये सामान लगाया हुआ है। अगर आप चाहें तो मेरे चैनल पे डिटेल वीडियोस देख सकते हैं, लेकिन अगर आप अभी भी कंफ्यूज हैं कि भाई मेरे लिए क्या बेटर होगा तो ये वीडियो आप ही के लिए है। और आज की वीडियो के अंदर मैं ये गारंटी लेता हूं कि आपको 100% ये दिमाग में फिट करवा के भेजूंगा कि जो होम थिएटर है किस लिए यूज होता है, साउंड बार है किस लिए यूज होता है और दोनों के अंदर क्या मेजर डिफरेंस है। सबसे पहली बात, आपको ट्रैप के अंदर नहीं फंसना है। कौन सा ट्रैप? 2 से 3 हजार रुपए वाला ट्रैप, जो 2 से 3 के अंदर आपको ये साउंड सिस्टम जो दे रही है ना कंपनियां, जिसके अंदर साथ साथ 8-8 आपको स्पीकर देखने को मिल रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा तगड़े वोल्टेज दिखाए जा रहे हैं, भाई साहब ये सब ट्रैप है। 1% भी उनके अंदर अच्छी साउंड क्वालिटी नहीं होती है। 3 हजार रुपए अगर आप एक ऐसा होम थिएटर परचेस कर लेते हैं या फिर वो जो छोटे छोटे बार्स आ रहे हैं वो परचेस कर लेते हैं, आपका पैसा टोटली वेस्ट होने वाला है। तो सबसे पहले आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ऐसे आइटम को कभी परचेज नहीं करना है। दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि भाई साहब जो टॉप रेटेड वीडियोज आपको आजकल देखने को मिलेगी, जिसके अंदर आपको टॉप 5 होम थिएटर, टॉप 5 साउंड बार देखने को मिलेगी, ऐसी वीडियोज मैंने भी काफी बनाई है, तो उस वीडियो को भी आपको ज्यादा सीरियस नहीं लेना है। रीजन क्या है मैं बताता हूँ। जैसे कि मैंने आपको अगर 5 बेस्ट होम थिएटर बताया या फिर बेस्ट साउंड बार बताए तो उनके अंदर मैं हमेशा ये चीज भी कवर करता हूँ कि वो साउंड बार कैसा साउंड क्वालिटी देगा, उसका साउंड टेस्ट कैसा होगा। और अगर आपको आपका साउंड टेस्ट पता ही नहीं है, मैं अपनी पसंद का साउंड टेस्ट आपको रिकमेंड करता हूँ और आप अगर उसको परचेस कर लेते हैं तो यहाँ पे ये कोई भी श्योरिटी नहीं बनती है कि वो चीज आपको भी पसंद आएगी। सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मैं आपको एक डीप बेस का सिस्टम रिकमेंड कर देता हूँ और आपको अगर डीप बेस का सिस्टम चाहिए ही नहीं, आपको चाहिए एक स्टीरियो सेपरेशन वाला, एक बिल्कुल सॉफ्ट वोकल वाला सिस्टम, तो शायद आपका डिसीजन यहाँ पे मेरी वजह से रॉन्ग होगा। मुझे ये आइडिया ही नहीं था कि भाई आपका टेस्ट कैसा है, आपको ये आइडिया ही नहीं कि भाई मुझे चाहिए क्या, मैंने जस्ट आपको रिकमेंड कर दिया, आपने मेरे विश्वास पे खरीद लिया या फिर किसी भी थर्ड पर्सन जो कि एक यूट्यूबर हो सकता है, कोई भी एक दुकान वाला हो सकता है, आपने उसकी गाइडेंस से खरीद लिया। ऐसे आप खर्च कर सकते हो, लेकिन जो नॉलेज है मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं वो डायरेक्टली आपको कोई शेयर नहीं करेगा, ऐसे में आप ही का नुकसान होने वाला है। इस वीडियो को अगर आप सीरियसली देख लेते हो, दिमाग में बैठ जाएगा कि भाई साहब होम थिएटर का मेन यूज कहां आता है, साउंड बार्स का मेन यूज कहां आता है। बहुत लोगों का दिमाग में ये चीज रहता है कि जो साउंड बार है ज्यादा डीप फ्रीक्वेंसी देती है, ज्यादा लो फ्रीक्वेंसी देती है, बट जो होम थिएटर है वो ऐसा नहीं कर पाते। सारी गलतफहमी मैं आज दूर करने वाला हूँ। ये साउंड बार मैंने खुद ने बनाई है, मात्र 4 हजार रुपए के अंदर मैंने साउंड बार बनाई है। सबवूफर अभी जस्ट अपग्रेड किया है, जो कि एक बेस प्रो का सबवूफर है और यहाँ पे 8 इंच का एक बहुत ही हैवी सबवूफर है, वो इसके साथ में इजिली प्ले हो रहा है और जो क्वालिटी निकल के आ रही है भाई साहब बहुत ज्यादा ऑसम है। आपने अमेजोन या फिर किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे देखा होगा या जो कोई भी साउंड सिस्टम है अपने वोल्टेज के नाम से बिकता है, 200 वोल्ट, 300 वोल्ट, 400 वोल्ट, उसके वोल्टेज के नाम से बिक रहा है। अब रियलिटी में आपको बताऊं, ठीक, अगर 200 वोल्ट का साउंड सिस्टम होगा तो उसके अंदर अगर आप डीप बेस का उम्मीद करते हैं, आपको चाहिए कि लो बेस होना चाहिए और 200 वोल्ट का साउंड सिस्टम है, तो क्या पॉसिबिलिटी होगी कि भाई उस 200 वोल्ट के अंदर से आपका सबवूफर जो है 100 वाट का निकले, 80 वोट का निकले या फिर 50 वोट का ही निकले, ये आप नहीं जान सकते, ना कोई कंपनी ऐसा डायरेक्ट एक्सप्लेन करती है। होम थिएटर के अंदर फिर भी पॉसिबिलिटी क्रिएट होती है, जिसके अंदर आपको ये क्लियरली देखने को मिलता है कि भाई सबवूफर इतने इंच का है, इतने वोल्टेज का है, स्पीकर ड्राइवर इतने इंच के, इतने वोल्टेज के, लेकिन साउंड बार में कोई भी चीज आपको देखने को मिलती ही नहीं है, पता ही नहीं चलेगा कि भाई कितने वोल्ट का कौन सा ड्राइवर है। बात करें, मैंने गोवो का साउंड बार टीयर डाउन किया था, टीयर डाउन से पहले मुझे भी नहीं पता था कि पर्टिकुलर एक साउंड ड्राइवर जो उसके अंदर लग रखा है कितने वोल्ट का है। ये चीज मुझे भी टीयर डाउन के बाद में पता चली, तो आप सोच सकते हो आप तो डायरेक्टली परचेज ही कर रहे हैं, खोलने का आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, तो आप कैसे पता करोगे कि भाई साउंड बार मेरे लिए अच्छा होगा या फिर होम थिएटर मेरे लिए अच्छा होगा। सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं, इनके अंदर सबसे मेजर डिफरेंस क्या आता है, एक होम थिएटर और एक साउंड बार के अंदर सबसे मेजर डिफरेंस क्या आता है। सबसे पहली बात, स्टीरियो सेपरेशन, जो कि आपको एक होम थिएटर भी देता है, एक साउंड बार भी देती है, लेकिन दोनों में सबसे बड़ा फर्क क्या है? सबसे बड़ा फर्क है स्पीकर ड्राइवर की असेंबलिंग का। आपकी जो साउंड बार रहेगी उसके स्पीकर ड्राइवर की जो प्लेसमेंट है, जितनी भी दूरी है वो फिक्स है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। एज एन एग्जांपल, ये आपकी एक साउंड बार है, उसके अंदर यहाँ पे नीचे एक स्पीकर ड्राइवर लग रहा है, एक स्पीकर ड्राइवर यहाँ पे लग रहा है। अब ये दोनों बिल्कुल फ्रंट के अंदर लगे हुए हैं, इनको मैं ना तो टिल्ट कर सकता हूँ बिल्कुल भी और ना इनकी जो डिस्टेंस है उसको कम कर सकता हूँ। मेरे साउंड टेस्ट के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल भी एडजस्टेबल नहीं है, इनके अंदर जैसा प्लेसमेंट है वैसा ही रहेगा। इसके अंदर आप ये जरूर से चेंज कर सकते हैं, जैसे कि बास हो गया, ट्रेबल हो गया, ठीक है, मिड का फ्रीक्वेंसी तो बहुत कम एम्पलीफायर अलाउ करते हैं, लेकिन 2 मेनली फ्रीक्वेंसी रहती है, बास की और ट्रेबल की, और एक वॉल्यूम का नॉब रहता है, ये आप जरूर से इसके अंदर चेंज कर सकते हैं। और ये बेसिक चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, आप एडवांस की तरफ मत जाइए, मैं आपको बोल रहा हूँ, आप जितना बेसिक क्लियर करके चलोगे उतना ही आपको परचेस करने के अंदर थोड़ी आसानी होगी। अगर आप बिल्कुल एडवांस में जाते हैं, डॉल्बी डिजिटल, डॉल्बी एटमॉस, डॉल्बी डिजिटल प्लस और इन सब में जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, ये
भी बहुत अच्छी चीजें हैं, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रखी है, वीडियोस भी है, लेकिन अगर आप पहले बेसिक समझ लेंगे तो ये डॉल्बी डिजिटल आपको थोड़ा आसानी से समझ में आएगा। साउंड बार का एक चीज आपने समझ लिया, स्टीरियो सेपरेशन उसके अंदर लिमिटेड होता है, जितना आपको दिया है उतना ही रहेगा। होम थिएटर के अंदर ऐसा नहीं होता है, ये देख सकते हैं बहुत ही पुराना बैंड पास बॉक्स है आईबॉल कंपनी का, आपको दिख नहीं रहा, मैं बीरोल में शूट करके दिखा दूंगा। उसके साथ में ये दो यहाँ पे आपको स्पीकर ड्राइवर देखने को मिलते हैं, इनका सेपरेशन में चाहे जैसा कर सकता हूँ। ये लेफ्ट वाला है, ये एडजस्टेबल है, जहां चाहूं वहां पे इसको मेरे कान के पास भी चाहिए, थोड़ा दूर चाहिए, जैसा चाहिए मैं इसको एडजस्ट कर सकता हूँ, टिल्ट भी हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको अप फायरिंग स्पीकर बनाना चाहते हैं एक तरीके से, वो भी पॉसिबल है, आप ऐसे भी रख सकते हैं, इतनी आपको फ्रीडम मिलती है। और सेम चीज इसके लिए भी है, और इनका डिस्टेंस इतना है कि एक इस कोने में और एक इस कोने में मैं इजिली प्लेस भी कर सकता हूँ, और अगर इसकी वायर छोटी पड़े तो एक्सटेंड भी की जा सकती है, लेकिन ये आपको परमिशन साउंड बार नहीं देता है। और ये सबसे बड़ी चीज है, स्टीरियो सेपरेशन आपको बहुत ही ज्यादा वाइडर जो एनवायरनमेंट है वो क्रिएट करके देता है। अगर स्टीरियो सेपरेशन बिल्कुल क्लोज हुआ, जैसे कि एक ब्लूटूथ स्पीकर भी होता है जिसके अंदर भी दो स्पीकर लगे रहते हैं, लेकिन वो पर्टिकुलर एक स्टीरियो सेपरेशन नहीं बोल सकते, उसके अंदर दोनों का डिस्टेंस इतना है कि वो स्टीरियो आपको लगेगा ही नहीं। अगर आप पर्टिकुलर किसी फ्रीक्वेंसी को किसी चैनल पे देखे सुनोगे तो आपको सुनाई देगा कि हाँ ये लेफ्ट बज रहा है, ये राइट बज रहा है। बट अगर बात करें रियल सेपरेशन की, अगर एक उस कोने में स्पीकर है एक उस कोने में स्पीकर है, तो वो जो सेपरेशन होगा वो रियल लगेगा, और ऑडियो के अंदर एक्सपीरियंस भी उतना ही ज्यादा अच्छा फील होगा। ये चीज कहाँ पे काम आती है, गाने सुनने के अंदर इसका काम बिल्कुल ना के बराबर है। गाने के अंदर आप चाहे लेफ्ट से सुनो चाहे राइट से सुनो, आवाज एक ही टाइम पे दोनों चैनल पे आएगी। ऐसा नहीं होगा कि राइट चैनल पे आवाज पहले आ रही है, लेफ्ट पे बाद में आ रही है, ये चीज नहीं होगी अगर आप 4D 3D ऑडियो नहीं सुनते हैं तो। बट अगर आप मूवीज देख रहे हैं तो ये पॉसिबिलिटी हमेशा क्रिएट होगी कि भाई कोई सीन है जिसके अंदर राइट से ऑडियो पहले आ रही है फिर लेफ्ट की तरफ जा रही है, लेफ्ट से आ रही है राइट की तरफ जा रही है। अगर दोनों स्पीकर ऐसे रखे हुए रहेंगे तो आपको लेफ्ट से राइट की ऑडियो फिर राइट से लेफ्ट की ऑडियो में ज्यादा डिस्टेंस नहीं देखने को मिलेगी ना, तो इस डिस्टेंस के जितना ही आपको सेपरेशन भी सुनाई देगा। लेकिन ये दोनों अगर ऐसे रखे हुए हैं, इनका सेपरेशन पर्टिकुलर एरिया से आपके पास आएगा, आपको बहुत ज्यादा बेटर फील देने वाला है। और ये है बेसिकली मूवीज का एक्सपीरियंस इनहेंस करने के लिए। अब मैं इसके अंदर साउंड बार को एक -0.1 देता हूं, वो रीजन ये है, बजट साउंड बार के अंदर आपको कोई भी ऐसी फ्रीडम नहीं देखने को मिलती है। अगर आप एक प्रीमियम साउंड बार परचेस करते हैं उसके अंदर आपको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा फीचर देखने को मिलेंगे, उसके अंदर आपको कर्व स्पीकर देखने को मिल जाएंगे, उसके अंदर आपको टिल्टेड जो अप फायरिंग स्पीकर होते हैं वो देखने को मिल जाएंगे, बार के अंदर इनबिल्ट सबवूफर देखने को मिल जाएंगे, सराउंड स्पीकर देखने को मिल जाएंगे, तो वहां पे बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज क्रिएट होती है उस साउंड बार के अंदर आपको ये सारी क्वालिटी इजीली मिल सके। अब बात आती है आपको केवल गाने सुनने आपको कोई मतलब नहीं है, आपको केवल गानों से आनंद लेना है, जीवन का एकदम मौज लेनी है, ठीक है, तो उसके लिए क्या करें, उसके लिए कुछ नहीं करना है, उसके लिए आपको एक हैवी वोल्टेज वाला सिस्टम देखना है जिसके अंदर स्पीकर ड्राइवर पे भी अच्छे खासे वोल्टेज हो, अंदर जो आपका बॉक्स है पोर्टेड ना हो के बैंड पास हो। खैर बैंड पास बहुत कम बनते हैं, लेकिन अगर कहीं मिल जाए तो बैंड पास बॉक्स सेलेक्ट कीजिए, नहीं मिलता है तो आप बना भी सकते हैं, बनवा भी सकते, अगर इतना आपको टाइम अलाउ नहीं करता है तो आप एक पोर्टेड बॉक्स ले सकते हैं, हैवी ड्राइवर ले सकते हैं, हैवी ड्राइवर के अंदर आपको काफी ज्यादा अच्छा साउंड क्वालिटी वैसे ही देखने को मिल जाएगा, उसके लिए आपको ज्यादा एक्स्ट्रा पैसा खर्च करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बात आती है 4.1 ड्राइवर्स की, भाई ये 4.1 क्या नई चिड़िया का नाम, देखिए साउंड बार के अंदर भी 4.1 सिस्टम मिलता है और सेंटर चैनल भी साउंड बार के अंदर आपको देखने को मिलते हैं बजट साउंड बार के अंदर। 4.1 यहाँ पे क्या करता है, 4.1 अगर रियल हुआ तो आपको एक 3D एनवायरनमेंट क्रिएट करने के अंदर हेल्प करता है। दो आपके स्पीकर होंगे फ्रंट के अंदर लगे रहेंगे लेफ्ट और राइट चैनल के लिए, दो रहेंगे जो रियल में लगे हुए रहेंगे लेफ्ट और राइट चैनल के लिए, और जब आप मूवीज देख रहे होंगे तो उसके अंदर आपको बहुत ज्यादा बेटर फील होगा क्योंकि जो सामने वाली ऑडियोज है वो अलग आएगी, बैकग्राउंड से जो आवाज है वो अलग आएगी, प्रॉपर उनके अंदर सेपरेशन रहेगा तो आपका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा इनहेंस होगा। लेकिन अगर आपने सस्ता 4.1 ले लिया 2000 का 2500 में 2500 में आपने अगर 7.1 सिस्टम ले लिया, मेरी हंसी नहीं रुक रही है, अगर 2 या 2500 का आपने वो 7.1 सिस्टम ले लिया तो उसके अंदर क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। जो आपका 7.1 सिस्टम रहेगा 2000 रुपए वाला, 700 स्पीकर के अंदर एक ही टाइम पे सारे सिग्नल जो है पर्टिकुलर स्पीकर के अंदर जाने वाले एक ही टाइम पे। अगर आपने पहले स्पीकर से 7वें स्पीकर के अंदर सब में कान लगा के सुन लोगे, जितनी भी फ्रीक्वेंसी है सारे स्पीकर के अंदर उसी टाइम पे जाएगी, यहाँ पे कोई आपका साउंड सेपरेशन नहीं हो रहा है, केवल स्पीकर एक्सटेंशन हो रहा है, ठीक है। तो उसको आप ये समझ के बिल्कुल मत लीजिएगा कि भाई 7 स्पीकर मुझे देखने को मिल रहे हैं, कोई मतलब नहीं भाई, वेस्ट ऑफ मनी है। 50 रुपए का एक स्पीकर आता है, 7 ले लिए, 350 रुपए के अंदर 7 स्पीकर तैयार है। लेकिन एम्पलीफायर चैनल है वो एक से ही आउटपुट कर रहा है और 7 के अंदर सीरीज में कनेक्शन है, 7 में आवाज जा रही है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ना आपको उसके अंदर कोई अच्छी साउंड क्वालिटी मिलने वाली है। लेकिन ये जरूर से हो सकता है कि आपके पास कोई अगर स्कूल है या फिर कोचिंग क्लासेस है और अगर आपको सिंपल सा एक वॉइस नोट है या फिर कोई इंफॉर्मेशन है जो डिलीवर करनी है सारी क्लासेस के अंदर डिलीवर करनी है, तो उसके लिए सेपरेशन की जरूरत नहीं है, तो वहां
जहाँ पे आप वो स्पीकर एक्सटेंशन यूज कर सकते हैं, उस जगह पे आप जरूर से इस चीज को यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि इसका कोई और यूज है। एक चीज मैं आपको और बताता हूँ कि भाई मैंने साउंड बार भी परचेस किए हुए, होम थिएटर भी परचेस किए हुए। अगर मैं आपको रिकमेंड करूँ कि भाई क्या चीज खरीदनी चाहिए, अगर आपके लिए स्टीरियो सेपरेशन मैटर नहीं करता है, आपको स्टीरियो ऑडियो का इतना ज्यादा जो कह सकते हैं कि जरूरत नहीं है, आप उस चीज को थोड़ा स्किप भी कर सकते हैं, साउंड बार में आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक हाई फ्रीक्वेंसी का थोड़ा सा जरूर से मैं कहूंगा कि अगर किसी भी स्पीकर ड्राइवर के अंदर ट्विटर एडिशनल इंस्टॉल नहीं है, तो उसके अंदर आपको हाई फ्रीक्वेंसी की कहीं ना कहीं कमी जरूर से महसूस होगी, क्योंकि जब भी आप कभी आवाज फुल करेंगे या थोड़ी भी आवाज को बढ़ाएंगे तो जो स्पीकर है वो बेसिकली डिस्टॉर्शन देंगे। वो आपको चाहे फील हो या ना हो, आपको लगेगा कि हाँ यार आवाज फट रही है या फिर जो आवाज है वो प्लेजिंग नहीं है, अच्छी आवाज नहीं है। अगर ट्विटर वहां पे इंस्टॉल रहेंगे तो वो आवाज बहुत ही ज्यादा आपको प्लेजिंग लगेगी, क्योंकि जो आपकी हाई फ्रीक्वेंसी है वो प्रॉपर कवर होगी। ये चीज मैं जरूर से कहता हूँ कि अगर आपको एक प्लेजिंग साउंड चाहिए, आपको क्रिस्टल क्लियर ऑडियो चाहिए, तब या तो महंगे साउंड बार की तरफ जाइए या फिर एक अच्छे थ्री वे स्पीकर बॉक्स की तरफ जाइए। वेल बात करें कनेक्टिविटी की, तो लोगों के दिमाग में काफी ज्यादा डाउट होते हैं कि यार ब्लूटूथ से कनेक्ट करूं या ऑक्स से कनेक्ट करूं, एचडीएमआई से करूं या ऑप्टिकल से करूं। देखिए आजकल आपको साउंड बार के अंदर सारे कनेक्टिविटी फीचर इजीली अवेलेबल हो रहे हैं। पुराने जो होम थिएटर सिस्टम है जो कब के लॉन्च हो चुके हैं, उनके अंदर ये सिस्टम आपको नहीं देखने को मिलेंगे। अगर आपको टीवी के साथ कनेक्ट करना है तो ऑक्स या आरसीए केबल आपके लिए एक लास्ट ऑप्शन बचेगा, अगर आप कोई भी पुराना लॉन्च होम थिएटर खरीदते हैं। और अगर आप कोई नया होम थिएटर खरीदते हैं जो नया ब्रांड है काम कर रहा है, उसके अंदर आपको ऑप्टिकल सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, एचडीएमआई भी पॉसिबल है देखने को मिल जाएगा, ठीक है, बॉक्स भी मिल जाएगा, आरसीए भी मिल जाएगा, ब्लूटूथ भी मिल जाएगा, ठीक है, ये नए होम थिएटर के अंदर भी पॉसिबल है। होम थिएटर से आप एक अच्छा ऑडियो सेपरेशन भी अचीव कर सकते हैं, और बिल्कुल ज्यादा जो डीप बेस होता है एकदम एक्स्ट्रा एक्सट्रीम डीप बेस वो आपको बिल्कुल नहीं मिलने वाला है, और उसके आप उम्मीद भी मत कीजिएगा, क्योंकि आप टीवी के साथ में मूवीज के साथ में उसको तो एंजॉय नहीं ही करने वाले, उसके लिए आपको होम थिएटर बेटर हो सकता है। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पे चाहिए लाइक 200, 300, 400, 500 जितना आपकी मर्जी लाइक कर लीजिए। मैंने मंगाया एक बहुत ही शानदार बेस्ट एम्पलीफायर जो कि आपको फ्यूचर के अंदर देखने को मिलेगा। कमेंट कर सकते हैं जो आपके दिमाग में आए, जो डाउट लगे, कुछ सही लगे तो बता सकते हैं, गलत लगे तो बता सकते हैं, कुछ आपको दिमाग में आए कि भाई यार ये चीज का सुधार कर वीडियो के अंदर, ये अच्छा नहीं लग रहा, बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बिल्कुल उसका सुधार करूंगा। ठीक है, कोई दिमाग में भारी ही डाउट चल रहा है, बहुत विडंबना आ गई दिमाग के अंदर, आप बोल सकते हैं कि भाई इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, तो मैं ट्राई करूंगा, अगर मुझे मालूम है तो बिल्कुल रिप्लाई दूंगा। मिलेंगे ऐसे किसी और वीडियो के अंदर। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।